हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माहिराज किचन। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही झटपट बन जाता है। आप जब भी चाहें इसे बना के सर्व कर सकते हैं फटाफट से। आप इसे ग्रेवी के साथ, किसी भी ग्रेवी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही खा सकते हैं इसे। जब भी आपका कुछ बनाने का मन हो जल्दी में, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ईजी तरीके से बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटर पुलाव। इसके लिए मैंने लिया है, देखिए, 2 कप मैंने चावल लिया है और इसको भिगा के रखा हुआ है। और 1 कटोरी मैंने ली हरी मटर, और इसके साथ ही कुछ मसाले लिए हैं। ये मैंने शाही ज़ीरा लिया हुआ है 1/2 टीस्पून से कम, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा। 4 लौंग ली है, 1 काली इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और 2 मैंने हरी मिर्च ली है, इस तरह से लंबे पीसेस में कट कर लिया है, और 2 तेज पत्ते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकर रख दिया है और गर्म हो गया है। इसके साथ इसमें डालते हैं ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं या ऑयल में बना सकते हैं। गरम होने देते हैं। तो ये देखिए, ऑयल गरम हो चुका है, तो इसके साथ ही ये मसाले खड़े डाल देंगे। पहले जीरा और ये तेज पत्ते, इसको हम अभी थोड़ा रुक के डालेंगे शाही जीरा को। इसे भी डाल देते हैं। और इसके बाद ये जो मैंने मटर आपको दिखाई थी, इसको भी डाल देते हैं। तो देखिए, मटर को भी डाल दिया है, और थोड़ा सा गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो किया मैंने, और थोड़ा सा मटर को ऐसे ही भून के, फिर उसके बाद इसमें हम राइस ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून जाने देते हैं। तो देखिए, मटर थोड़ा सा फ्राई हो गई है, और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं ये राइस। इसको भी चलाते हुए भूनेंगे इस तरह से। 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे ही भून लेंगे चलाते हुए। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून से कम मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही मैंने लिया है नींबू का रस, 1 टीस्पून मैंने नींबू का रस लिया है। इसे डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और राइस भी बहुत अच्छे बनते हैं खिले खिले। चला लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इसके साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने घी लिया है देसी, इसको भी डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मटर पुलाव बहुत अच्छा लगता है टेस्टी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, या फिर कभी भी बना सकते हैं। इसे बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से फटाफट बन जाता है ये। तो इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए, मैंने पानी इसमें डाल दिया है। 1 गिलास से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है। आप देख सकते हैं, जितना राइस है उसके ऊपर पानी होना चाहिए, इससे चावल बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि ये पानी थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि चावल भीगा हुआ था, इस वजह से पानी कम लगेगा। तो इसमें बॉयल आ जाने देते हैं। तो देखिए, इसमें बॉयल आ रहा है, तो अब हम प्रेशर बंद कर देते हैं। 1 विजल आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ी 1 विजल आने के बाद थोड़ा सा स्लो कर देंगे कुछ सेकंड्स के लिए गैस का फ्लेम, और उसके बाद बंद कर देंगे। तो ये देखिए, एक प्रेशर आ चुका है इसमें, और मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। बस 1 मिनट के बाद मैं तुरंत ऑफ कर दूंगी गैस, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और प्रेशर खुलने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं, प्रेशर खुल चुका है। तो ये देखिए, मटर पुलाव बनके बहुत अच्छा सा बनके रेडी हो गया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, इसके बाद सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा मटर पुलाव बनके रेडी हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है।
तो ये देखिए मटर पुलाव बनके रेडी हो चुका है और मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप इस पे चाहें थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे किसी भी ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है मटर पुलाव, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जो भी मैं डालूँ वो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तक के लिए थैंक यू।